उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए एक ऐसे हादसे को इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। दरअसल भाजपा के एक बड़े नेता सतीश कश्यप और उनके सहयोगी ऋषभ पांडेय की निर्मम हत्या ने कानपुर के माहेश्वरी मोहाल इलाके में भय का माहौल बना दिया। यह कहानी है प्रेम साजिश और बदले की। तो चलिए शुरू करते हैं, तब तक आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। 29 नवंबर 2017 को दोपहर करीब 12 बजे कानपुर के एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा को थाना फीलखाना से सूचना मिली कि भाजपा के एक दबंग नेता सतीश कश्यप और उनके सहयोगी ऋषभ पांडेय पर माहेश्वरी मोहाल में जानलेवा हमला हुआ है। उसके बाद दोनों को गंभीर हालत में हैलट अस्पताल ले जाया गया था। घटना की गंभीरता को समझते हुए एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि वहां पहले से ही इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह मौजूद थे। माहेश्वरी मोहाल के कमला टावर चौराहे से थोड़ा आगे बालाजी मंदिर रोड पर दिनदहाड़े यह हमला हुआ था। सड़क खून से लाल थी। एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू किया। घटनास्थल पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा था। दुकानों के शटर गिरे हुए थे और आसपास के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। लोगों का डर इस कदर था कि कोई कुछ भी कहने सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस की मौजूदगी ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया था। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इस निर्मम हत्या के पीछे कौन है? एसएसपी मीणा घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद हैलट अस्पताल पहुंचे। वहां का दृश्य बेहद हृदय विदारक था। सतीश कश्यप और ऋषभ पांडेय को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। सतीश कश्यप का पूरा शरीर धारदार हथियार से गोदा हुआ था, जबकि ऋषभ पांडेय के शरीर पर केवल 3 घाव थे। यह स्पष्ट था कि कातिल का मुख्य निशाना सतीश कश्यप ही थे। अस्पताल में सतीश कश्यप की पत्नी बीना और उनकी दोनों बेटियां लाश के पास बैठी रो रही थीं। ऋषभ की मां अर्चना और पिता राकेश पांडे भी बेटे की लाश से लिपटकर रो रहे थे। एसएसपी मीणा ने मृतकों के परिवार वालों को आश्वासन दिया कि कातिलों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जब अखिलेश कुमार मीणा ने सतीश कश्यप की पत्नी बीना और बेटी आकांक्षा से हत्यारों के बारे में पूछताछ की, तो आकांक्षा ने बताया कि उसके पिता की हत्या शिव पर्वत, उमेश कश्यप और दिनेश कश्यप ने की है। शिव पर्वत का उसके पिता से एक महिला को लेकर विवाद था और उसने पहले भी धमकी दी थी। उसके बाद यह मामला एक नए मोड़ पर पहुँचती है। बीना और आकांक्षा ने शिव पर्वत की पुरानी दुश्मनी का जिक्र किया और बताया कि शिव पर्वत ने कई बार सतीश कश्यप को धमकी दी थी। यह जानकारी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे हत्यारों के साजिश का पता चलता है। मामला सत्ताधारी दल के नेता पर हमले का था, इसलिए एसएसपी ने तुरंत ही कई थानों की पुलिस और फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुला लिया। उसके बाद वहां के थाना फीलखाना के प्रभारी देवेंद्र सिंह ने सतीश कश्यप के बड़े भाई प्रेम कुमार की ओर से हत्या का मुकदमा शिव पर्वत और दो अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया। एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा और एसपी अनुराग आर्या ने तुरंत एक टीम बनाई जिसमें कानपुर के अनुभवी और दक्ष अधिकारियों को शामिल किया गया। इस टीम का उद्देश्य हत्या के हर पहलू को जांचना और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ना था। जांच में पता चला कि शिव पर्वत नगर निगम में सफाई नायक के पद पर कार्य करता था और अपराधी प्रवृत्ति का भी था। एसपी अनुराग आर्या ने एक पुलिस टीम बनाई जिसमें थाना फीलखाना के प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी शामिल थे।
शिव पर्वत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया और उसकी लोकेशन के आधार पर उसे फूलबाग चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। शिव पर्वत की गिरफ्तारी से पुलिस को मामले में बड़ी सफलता मिली। पूछताछ के दौरान शिव पर्वत ने हत्या की बात कबूल कर ली और पूरी साजिश का खुलासा किया। उसने बताया कि सतीश कश्यप और ऋषभ पांडे की हत्या उसकी और उसकी प्रेमिका कल्पना शर्मा की साजिश थी। शिव पर्वत ने पुलिस को बताया कि हत्या के योजना में कल्पना शर्मा भी शामिल थी। पुलिस ने कल्पना शर्मा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि घटना से पहले और बाद में शिव पर्वत की कल्पना से बात हुई थी। पूछताछ के बाद कल्पना शर्मा ने साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। 29 नवंबर की सुबह सतीश कश्यप और ऋषभ पांडे स्कूटी से जा रहे थे, तभी शिव पर्वत ने उन पर हमला कर दिया। सतीश कश्यप को बचाने के लिए ऋषभ ने भी संघर्ष किया, लेकिन वह भी घायल हो गया। शिव पर्वत ने सतीश कश्यप को बेरहमी से मार डाला और फिर फरार हो गया। फिर घटना की तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि सतीश कश्यप और शिव पर्वत के बीच का विवाद कई साल पुराना था। यह विवाद व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों था। सतीश कश्यप की मौत से शिव पर्वत ने अपने दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, लेकिन उसने खुद को कानून के शिकंजे में फंसा लिया। पुलिस ने शिव पर्वत से पूछताछ के बाद खून से सने कपड़े और चाकू बरामद कर लिए। शिव पर्वत ने हत्या की साजिश और कल्पना शर्मा की भूमिका का भी खुलासा किया। पुलिस ने फोरेंसिक सबूतों के आधार पर यह साबित किया कि शिव पर्वत और उसके साथियों ने ही सतीश कश्यप और ऋषभ पांडे की हत्या की थी। पुलिस ने घटना के गवाहों से भी पूछताछ की और सबूत जुटाए। घटना के समय आसपास के लोग डर के मारे कुछ भी कहने से बच रहे थे, लेकिन पुलिस की जांच के बाद कुछ गवाह सामने आए। उन्होंने बताया कि शिव पर्वत और उसके साथी घटना के दिन माहेश्वरी मोहाल में देखे गए थे। उन्होंने शिव पर्वत को सतीश कश्यप पर हमला करते हुए भी देखा था। गवाहों की गवाही ने पुलिस की जांच को मजबूत किया। उन्होंने यह भी बताया कि शिव पर्वत ने घटना के बाद वहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सतीश कश्यप की पत्नी बीना और उनकी बेटियां इस घटना के बाद पूरी तरह से टूट गई थीं। उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई और मांग की कि हत्या के दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। बीना का कहना था कि उनके पति ने हमेशा सभी की मदद की थी और उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। उनकी बेटियों ने बताया कि उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। इस दौरान ऋषभ पांडे के परिवार का भी हाल बेहाल था। ऋषभ की मां अर्चना और पिता राकेश पांडे का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने कहा कि ऋषभ हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ा रहता था और उसकी मौत से उनका पूरा परिवार टूट गया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शिव पर्वत और उसके साथियों ने हत्या के पहले सतीश कश्यप का पीछा किया था। उन्होंने पहले भी कई बार सतीश कश्यप के रूटीन का पता लगाने की कोशिश की थी। शिव पर्वत के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स से यह भी पता चला कि उसने हत्या के दिन कई बार कल्पना शर्मा से बात की थी। पुलिस को यह भी पता चला कि घटना के दिन शिव पर्वत ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सतीश कश्यप और ऋषभ पांडे का पीछा किया था। उन्होंने बालाजी मंदिर रोड पर घात लगाकर उन पर हमला किया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली और पाया कि शिव पर्वत और उसके साथी घटना के समय वहां मौजूद थे। पुलिस की सख्ती से पूछताछ के बाद शिव पर्वत ने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि सतीश कश्यप और उसके बीच का विवाद बहुत पुराना था। उसने यह भी बताया कि कल्पना शर्मा ने उसे उकसाया और उसे सतीश कश्यप को मारने के लिए मजबूर किया। शिव पर्वत ने यह भी खुलासा किया कि सतीश कश्यप की हत्या का कारण सिर्फ निजी दुश्मनी ही नहीं थी,
बल्कि उसमें राजनीतिक रंजिश भी शामिल थी। मुकदमे के दौरान अदालत ने शिव पर्वत, उमेश कश्यप और दिनेश कश्यप के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए गए। पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों की गवाही और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह साबित कर दिया कि सतीश कश्यप और ऋषभ पांडे की हत्या इन्हीं आरोपियों ने की थी। अदालत में शिव पर्वत ने भी अपनी गलती मानी और कहा कि उसने सतीश कश्यप की हत्या एक साजिश के तहत की थी। उसने यह भी कबूल किया कि कल्पना शर्मा ने उसे इस हत्या के लिए उकसाया था। अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें सख्त सजा सुनाई। कानपुर की यह कहानी एक यादगार घटना बन गई। इसने हमें सिखाया कि अपराध और हिंसा का कोई स्थान नहीं है और हमें हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ देना चाहिए। सतीश कश्यप और ऋषभ पांडे की मौत ने हमें यह याद दिलाया कि हमें अपने समाज को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इस घटना ने यह भी सिखाया कि न्याय की जीत अंततः होती है और अपराधियों को उनके कर्मों की सजा मिलती है। सतीश कश्यप और ऋषभ पांडे का बलिदान हमें हमेशा यह याद दिलाएगा कि हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे अपराध और हिंसा को रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद।